जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टर चैप्टर 25 मैनेजमेंट में। हमने जहाँ पर लास्ट वीडियो को एंड किया था वहीं से स्टार्ट करने हैं। ये हमने डिस्कस करना है डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। जैसा कि कंपनी का बिजनेस है, अगर डायरेक्टर्स का किस तरह से इंटरेस्ट है, डायरेक्टर्स की किसी रेलिवेंट या क्लोज रेलिवेंट किस तरह से इंटरेस्ट है कंपनी के साथ की ट्रांजेक्शन में, तो उस केस में डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर्स क्या रिक्वायर करता है, कंपनी क्या रिक्वायर करती है डायरेक्टर से कि उसने अपना इंटरेस्ट क्या करना है, डिस्क्लोज़ करना है। तो मतलब डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है कि उसने अपना इंटरेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें बाकी डायरेक्टर्स को बताएंगे कि जनाब इस तरह से मैं डायरेक्टली या डायरेक्टली इस ट्रांजेक्शन में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, फिर इसमें इंटरेस्ट है डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। दे मेक एनी ट्रांजेक्शन और एंटर इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन विच दे आर देम सेल्फ इंटरेस्टेड बाई एनी मीन्स। तो उस केस उन्होंने क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है डायरेक्टर के सामने ताकि जो उनकी जो इंटेग्रिटी है, जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इससे वो अराइज ना हो। देयर मस्ट नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स क्या कर देते हैं, डायरेक्टर्स को मना कर दिया गया है कि वो किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते कंपनी के साथ, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोविजंस अप्लाई होंगी। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा गया है कि कंपनी के एक आर्टिकल्स में लिखा गया है कि कंपनी डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टर्स ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकेंगे। अब हम देखते हैं कि जो डिस्क्लोज इंटरेस्ट है वो किस तरह किस टाइम पर डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी, द डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन एनी ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी इन विच ही इज डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब वो खुद, और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली में क्या हो सकता है, उसके स्पाउस, उसके माइनर चिल्ड्रन या उसके किसी और कंपनी है, ठीक है, जिसमें वो डायरेक्टर है, जिसमें वो ऑनर है, जो उसकी अपनी कंपनी है, या किसी और पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है, वो क्या है इनडायरेक्टली इसमें आ जाता है क्योंकि पार्टनर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड इंटरेस्ट एंड सच नोटिस शेल बी गिवन इफ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट रिक्वायर द डायरेक्टर्स अप्रूवल। अगर उस ट्रांजेक्शन के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए उस ट्रांजेक्शन को होने से पहले या उस एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को होने से पहले, तो जिस मीटिंग में वो डिस्कशन होगी, क्योंकि क्योंकि उसमें वो डायरेक्टर भी बैठा होगा, तो उसी मीटिंग में क्या करेगा, वो डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा। अगर इन केस द डायरेक्टर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, जी पहले मीटिंग के टाइम पे वो उसको अगर इंटरेस्टेड नहीं था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो प्रूव हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गया फर्स्ट मीटिंग के अंदर, वो ट्रांजेक्शन भी हो गई, अगर उसके बाद वो क्या हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है, ही बिकम्स वो इंटरेस्टेड, तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की, ठीक है जी, जो डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें उसने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डायरेक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, सही है, तो फिर उस केस में जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगी, इवेंट होगा, तो उसके बाद जो भी फर्स्ट मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की, तो उस मीटिंग में क्या करना है, उस डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। फिर आता है कि एक था कि आप स्पेसिफिकली अपने एक एग्रीमेंट, एक नोटिस के थ्रू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को या कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करें। एक ये है कि आप जनरल नोटिस दे दें, ठीक है, आप उस नोटिस में क्या बता दें कि जी मेरी ये कंपनी है, इसमें अंदर मैं डायरेक्टर हूँ, ये कंपनी है, इनके अंदर मैं क्या हूँ, शेयर होल्डर हूँ, ये फॉर्म्स हैं, इनमें क्या हूँ, मैं पार्टनर हूँ, और इन फॉर्म्स में मेरी स्पाउस पार्टनर है, इन फॉर्म्स में मेरी स्पाउस डायरेक्टर है, इन कंपनियों में मेरी स्पाउस क्या है, शेयर होल्डर है, मेजोरिटी शेयर होल्डर है, ताकि जो अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी कि ये जो सारी कंपनीज हैं, ये जो सारे यूनिट्स हैं, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर वो क्या होगा, वो डायरेक्टर क्या होगा, डीम टू बी इंटरेस्टेड क्या होगा, कंसिडर होगा कि इसके इसमें इंटरेस्ट है ही है। इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट एक ही नोटिस के थ्रू बता रहे हैं कि जी इन इन कंपनियों के अंदर मेरी ऑनरशिप है, डायरेक्टरशिप है, इसलिए इन इन कंपनियों के साथ ट्रांजेक्शन में मेरे पर्सनल इंटरेस्ट होगा। सच नोटिस शुड बी गिवन एट द डायरेक्टर्स मीटिंग और द कंसर्न डायरेक्टर मे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट द नोटिस इज रेड बाई अदर डायरेक्टर्स। तो जी आपने क्या करना है, डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये नोटिस देना है, अगर नोटिस मीटिंग में नहीं दे रहे आप थ्रू पर्सनल वैसे दे रहे हैं, तो आपने ये क्या करना है, इंश्योर करना है कि सारे डायरेक्टर्स ने बाकियों ने क्या कर लिया, उसको पढ़ लिया है। और ये नोटिस आप देंगे, ये एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा।
तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नोटिस को रिप्लेस कर सकते हैं, हर साल एक फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ में क्या दे दें, एक नया नोटिस दे दें, जो क्या होगा आपके पुराने वाले नोटिस को क्या दोबारा से क्या कर देगा, रिन्यू कर देगा। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नॉट टू वोट, अब ये है कि जो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं वो उस इंटरेस्टेड जो इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, उसके अप्रूवल के लिए वोट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए। रेजोल्यूशन में क्या होंगे, वोट्स होंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन पे जो रेजोल्यूशन चाहिए, उस रेजोल्यूशन में मैं वोट नहीं दे सकता, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन फॉर मैटर इन विच ही इज इंटरेस्टेड। ऐसे वो किसी मैटर में जिसमें इंटरेस्टेड है उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही शॉल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। जी डन। अब ये एक मीटिंग में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में 10 से 12 मैटर्स भी डिस्कस हो सकते हैं। वो अगर टोटल 12 मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं, 12 मैटर्स में से 11 जो हैं उनके अंदर किसी भी डायरेक्टर का इंटरेस्ट, उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट नहीं है। हम डायरेक्टर ए को यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं, डायरेक्टर ए है, उसका एक मैटर में इंटरेस्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो ये बाकी जो 11 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डायरेक्टर ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बाकी 11 मैटर्स की डिस्कशन के लिए मीटिंग का ये कोरम कंसिडर होगा, लेकिन जैसे ही 12वां कॉन्ट्रैक्ट, 12वां मैटर जिसमें डायरेक्टर ए का इंटरेस्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी डिस्कशन स्टार्ट होगी, तो उसके लिए ये पर्सन कोरम का पार्ट कंसिडर नहीं होगा। अगर टोटल पर्सन ही साथ बैठे हुए हैं, तो टोटल मतलब कहते हैं लिस्टेड कंपनी या टोटल बंदे कितने बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं, 4 का कोरम था। अब अगर ये बंदा उठ गया है, अब ये कोरम के साथ नहीं है, तो 3 पीछे रह, कितने रह गए, 3 रह गए, तो कोरम ही पूरा नहीं हो रहा, ये मैटर उस मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हो सकता, ठीक है जी। इस मीटिंग के लिए उनको नई, इस पर्पज के लिए, इस मैटर के लिए उन्होंने नई मीटिंग क्या करनी होगी, कॉल करनी होगी, उनको कहना होगा कि यार हम इसके साथ हम 5-4 बनते हैं, लेकिन हमें एक पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, ये हमारे कोरम का पार्ट नहीं हो सकता। और वो पसंद कि अब कोरम का पार्ट नहीं है, तो उसको वो वोट अब देने की भी परमिशन नहीं है। अगर वो डायरेक्टर वोट देता है किसी ऐसी ट्रांजेक्शन पे या अरेंजमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो वोट क्या कंसिडर किया जाएगा, वॉइड कंसिडर किया जाएगा। इन केस ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। ये सब जो फॉलोइंग केसेस हैं, इस केस में ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। अब देखते हैं ये कौन से केसेस हैं। व्हेन द कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी एंड इज नीदर ए सब्सिडरी और नॉर ए होल्डिंग कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी जिसका किसी पब्लिक कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर ये क्या है, पर क्या कहते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी का किसी तरह से पब्लिक कंपनी से कोई रिलेशन है, चाहे वो पब्लिक सब्सिडरी है चाहे वो होल्डिंग कंपनी है, तो फिर उस पर ये क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, ये प्रोविजन अप्लाई होगी। फिर देखते हैं, द डायरेक्टर्स हैज नॉट एक्टेड एज अ, डायरेक्टर्स हैज एक्टेड एज अ श्योरिटी। जैसा भी होता है कि कंपनी ने एक लोन दिए लिया है और उस कंपनी के बिहाफ पे एक डायरेक्टर ने बैंक को गारंटी दी है, एज अ श्योरिटी एक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर वो ये जो मैटर है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, वो जस्ट है इंडिमिनिफिकेशन और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द श्योरिटी, अगर वो कम जो अगर उस श्योरिटी की वजह से कोई लॉस इनकर हुआ उस डायरेक्टर को, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो मीटिंग हो रही है, तो फिर वो श्योरिटी क्या हो सकता है, उसका मेंबर हो सकता है, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो कोरम भी कंसिडर किया जाएगा। और लेकिन वो जो मीटिंग है, प्रोविजन कंपनी शैल ओनली इंश्योर द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है जी, वेयर सच लाइबिलिटी राइज आउट ऑफ ए ट्रांजेक्शन वैलिडली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और जो श्योरिटी उसने दी थी, वो ट्रांजेक्शन वैलिडली अप्रूव्ड थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या मेंबर से, जिसकी भी रिक्वायरमेंट में अंदर वो मैटर आता था। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में वो स्पेसिफिक वो बात कर रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी के केस में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वो शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग इन विच द मैटर इन विच ही हैज मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट इज बीइंग कंसिडर्ड। जी पब्लिक कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी के लिए ये ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है या होल्डिंग है, उस केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में बैठ सकता है, लेकिन वो कोरम कंसिडर नहीं होगा, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा,
जो डायरेक्टर है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, जैसे ही उस मैटर की जो डिस्कशन स्टार्ट होने लगेगी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहीं जनाब ठीक है अल्लाह हाफिज़, अब आप घर चले जाएं, तो वो क्या हो सकता है, उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर किसी और ऑफिसर का भी, जैसे कि जीएम फाइनेंस है, जीएम हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस है, वो मतलब कि डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा नहीं है, वैसे सीएफओ, हम उसको सीएफओ भी कहते हैं, या जीएम ऑपरेशंस है, ऐसा कोई ऑफिसर है जिसका कोई इंटरेस्ट है, एन ऑफिसर ऑफ कंपनी हुई इन एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसने क्या करना है, डिस्क्लोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन एंड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर वो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है बिजनेस के साथ, अगर जीएम फाइनेंस ऐसी किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जीएम ऑपरेशन ऐसी किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है जो उसकी अपनी अथॉरिटी में आती है, क्योंकि बिजनेस ने, आर्टिकल्स ने हर सीट को, हर डेजिग्नेशन को अथॉरिटी में कुछ क्या एक्सेस दी होती है, पावर दी होती है, अथॉरिटी दी होती है, और वो ट्रांजेक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करें एग्जाम्पल में, वो जीएम फाइनेंस की या जीएम ऑपरेशन की अथॉरिटी में आती है, ठीक है। लेकिन अगर वो उस ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली, उस मतलब आम रूटीन में उस ट्रांजेक्शन के लिए उसको किसी का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, वो खुद कर सकता है, उसकी अथॉरिटी है, वो साइन करके उसको इशू कर सकता है। लेकिन अगर वो मैटर ऐसा है, ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें जीएम फाइनेंस पर्सनली इंटरेस्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस केस में उसने किससे लेना है अप्रूवल लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रायर अप्रूवल लेना है। जब हम डिस्कस करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स एन इंडिविजुअल विद द होल और सब्सटेंशली द होल ऑफ द पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। जी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वो इंडिविजुअल है जिसके पास पूरी कंपनी की जो अफेयर्स हैं और उसकी मैनेजमेंट की पावर्स होती हैं, ठीक है। पावर उसको देता कौन है? हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब क्या है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। डायरेक्शन उसको कौन दे रहा है? डायरेक्टर्स डायरेक्शन दे रहे हैं। मेंबर्स ने अपॉइंट किया डायरेक्टर्स को बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, उन 7 डायरेक्टर्स ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया कि जनाब आपको ये डायरेक्शन हैं, ये अथॉरिटी है, इसी तरह चीज़ें करनी है, आपने पूरे बिजनेस को मैनेज करना है। ये पूरी मैनेजमेंट जो जूनियर एम्प्लॉय से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक, सारे किसको आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अकाउंटेबल हैं, वो अफेयर्स का रिस्पॉन्स मैनेज कर रहा है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अकाउंटेबल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल है। तो हम कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज ए एजेंट काम कर रहा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ही इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स मीन ही इज एन एजेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है ना जी। उसको पावर्स कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं जी। कौन से पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकते? ए पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, जो हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोज में, वो क्या हो सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। हमने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कंपनी का डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टर्स में से हो या चैप्टर्स में से ना हो, वो कंपनी का डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है। जो बंदा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है, एज डायरेक्टर ही होता है, जब एक बंदा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट नहीं हो सकता जी। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी क्या कहते हैं? नेम ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जी। जैसे कि हमने कहा था कि पहले डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करते हैं? सब्सक्राइबर्स अपॉइंट करते हैं। वो उनका नाम कहाँ देते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देते हैं। इसी तरह पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर्स ही देते हैं। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम अप टू द फर्स्ट एजीएम जी। जैसे कि फर्स्ट डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं फर्स्ट एजीएम तक, उस तरह फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी फर्स्ट एजीएम को रिटायर हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट एंड अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी वेयर एवर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इस केस में क्या है? अगर टोटल कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 10 और 6 उसमें से फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर्स किस तरह नॉमिनेट कर सकती है? अगर कंपनी के, अगर फेडरल गवर्नमेंट के कंपनी में शेयर्स हैं
60% तो वो 70% तो वो अपने टोटल 10 में से 6 डायरेक्टर्स क्या अपने नॉमिनेट कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा, तो फिर उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी क्या कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर मेजोरिटी डायरेक्टर्स किसके हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं। ये सबसिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसने अपॉइंट करना है, पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कब रिटायर होगा, फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाएगा। सबसिक्वेंट किसने अपॉइंट करना है, विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर देमसेल्फ और ऑफिस ऑफ इलेक्टेड फुल फैलिंग वैकेंट एज एन बेस में भी। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, तो उस इलेक्शन से 14 दिन के अंदर डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करना है, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव को बाद में रिमूव कर देते हैं तो फिर जो जैसे वैकेंसी नई खाली होगी, तो वैकेंसी खाली होने की डेट से 14 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। जो है सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल की टर्म के लिए अपॉइंट होगा, मतलब डायरेक्टर्स के साथ। जैसे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, कौन रिटायर हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रिटायर हो जाएगा। हाउएवर ही मे बी अर्लियर रिमूव्ड, अब रिमूव पहले भी हो सकता है, किस तरह हो सकता है मैं आगे डिस्कस करते हैं। और जैसे ही रिटायर होगा वो उसको दोबारा भी रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो कैजुअल वैकेंसी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जिस डेट पे जो उसके उस टाइम पे जो डायरेक्टर्स होंगे, तो वो डायरेक्टर जिस डेट पे क्या होंगे, रिटायर होंगे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अब रिटायरिंग चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो जब तक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं होता, वो तब तक क्या करता रहेगा, अपनी सर्विसेज अपनी ड्यूटी से परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर जैसे ही वो रिटायर हो गया वो घर भाग जाएगा, उसके बाद वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर उसको क्या किया गया, खुद ही टर्मिनेट किया गया, अगर मैंने एक पर्सन को भगाया है, खुद भगाया है, क्या वो फिर मैं उसको परमिशन दूँ कि वो जब तक नया मैं अपॉइंट नहीं करता वो तब तक वो काम करता रहे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो फिर जो भी काम करेगा जो भी डिसीजन लेगा वो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट लेगा। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव को कंपनी ने खुद क्या किया है, टर्मिनेट किया है, भगाया है, तो क्या फिर उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा, नहीं करेगा। फिर यहाँ पर एक्सेप्शन में डाला है कि अगर उसको एक्सप्रेसली टर्मिनेट किया गया है, जैसे ही रिटायर हो जाएगा वो घर भाग जाएगा। इज द कॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट, अगर वो ऐसी में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है वो, जिसकी वजह से मैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर पा रही कंपनी, तो उस वजह से, तो उसके बाद भी क्या हो, तो फिर क्या होगा, ये वाला चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट, मतलब ये क्या होगा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा और घर भाग जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्टेट द अथॉरिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या है आर्टिकल्स के पास, ये वो आर्टिकल्स में आपने बताना होता है कि जब जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास क्या अथॉरिटीज हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उसको क्या किस तरह से अपॉइंट होना है, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन किसने करनी होती हैं, आर्टिकल्स में बतानी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव आर डिटरमाइंड बाई द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग और इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन इन द आर्टिकल्स। ठीक है जी, अगर अपॉइंट कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर टर्म्स कौन डिसाइड करेगी, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, टर्म्स डिसाइड करेगी, एक्सप्लेन करेगी। फिर आता है रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किस तरह से आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, कौन कौन से फॉलोइंग मोड्स हैं, इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और हिज अपॉइंटमेंट टू द कंट्रेरी। जी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ था एक दफ़ा अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो गया तो उसके बाद उसको 3 साल से पहले आप रिमूव नहीं कर सकते, या जो आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया है उसकी जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इस चीफ एग्जीक्यूटिव को जब तक ये खुद रिजाइन न करे, जब तक इसकी जो टर्म है 3 साल की वो पूरी ना हो, तब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस के होते हुए भी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है, चाहे आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है, चाहे उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव फिर भी रिमूव हो सकता है। किन केसेस में, बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि डायरेक्टर्स क्या कॉल करें, ए जनरल मीटिंग कॉल करें, मेंबर्स को बुलाएं, मेंबर्स पास करें स्पेशल रेजोल्यूशन, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोर्टेड बाई एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है जी, यहाँ पर आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए डायरेक्टर्स की। अगर डायरेक्टर चाहते हैं कि वो रिमूव करें इसको चीफ एग्जेक्टिव को, तो चीफ वो भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर भी एक तरह का स्पेशल रेजोल्यूशन है डायरेक्टर्स का भी। अगर बाई गवर्नमेंट और अथॉरिटी पर्सन नॉमिनेटेड अथोराइज बाई इट वेयर मोर देन 75% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाई द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास क्या है, 75% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, यहाँ पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन है। क्योंकि अगर जब 70 स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, 3/4 होती है उसके से, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की अथॉरिटी है, क्योंकि 75% जब उसके पास आएंगे तो क्या हो जाएगी, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है, तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी कंपीटिंग बिजनेस, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि अगर पब्लिक कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव इज सपोज एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन ए बिजनेस विच कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन विच ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और विद द बिजनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। जी हम देखते हैं कि कंपनी ए है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है अली। तो मतलब यह है कि अली किसी एज ए बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, अली की स्पाउस या अली के माइनर चिल्ड्रन ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो कंपनी ए के बिजनेस के साथ कंपीट कर रहे हो। अब कंपीट का क्या मतलब है कि कंपनी ए का जो बिजनेस है उसी तरह का कोई बिजनेस अली स्टार्ट नहीं करेगा, आपस में क्या होता है फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब वो अली की स्पाउस भी स्टार्ट नहीं करेगी और अली की माइनर चिल्ड्रन भी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब वो ऐसे भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का होगा। कंपनी ए की कंपनी है सब्सिडरी कंपनी बी। अब कंपनी ए का एक बिजनेस है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या करती है, वो मार्केट ट्रेडिंग करती है, मार्केट परचेज करती है, सेल करती है। जो कंपनी बी है वो क्या है, मार्केट नहीं, ये हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मिल है जिसमें क्या कहते हैं गारमेंट्स बनाती है फिर बेचती है। तो मतलब ये है कि अली ना मार्कर की ट्रेडिंग करेगा, ना उसकी स्पाउस करेगी, ना उसकी माइनर चिल्ड्रन करेंगे, और ना अली टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाएगा, टेक्सटाइल मिल लगाएगा, ना वो गारमेंट्स बनाकर बेचेगा। ठीक है, ये दोनों पे उसके अंदर चीज़ें कवर होती हैं। फिर आता है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द कंपनी द डिटेल्स ऑफ एवरी सच बिजनेस कैरिड ऑन बाई हिम एंड इज इंटरेस्ट इन इट फॉर्थ विद एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही वो उसने अपॉइंट होना, उसने क्या करना है, चीज़ें सारी डिस्क्लोज करनी है कि उसकी कौन कौन से बिजनेसेस हैं और किस तरह से वो कर रहा है। ये था आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी का चेयरमैन, किसने अपॉइंट करना है और कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना है। बोर्ड ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जी अभी चीफ एग्जीक्यूटिव भी 14 दिन के अंदर अपॉइंट होना था और चेयरमैन भी कब अपॉइंट होना है, 14 दिन के अंदर अपॉइंट होना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट चेयरमैन, ठीक है, फ्रॉम द अमंग द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय तो नहीं होते लेकिन डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी ने डायरेक्टर्स ने क्या करना है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से चुन कर चेयरमैन अपॉइंट करना है कंपनी की। उसका जो चेयरमैन है ये क्या होता है, कंपनी की जो बोर्ड है, बोर्ड की लीडरशिप को लीड करता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके रोल को जो चेयर कर रहा होता है उसको हेड करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लिस्टेड कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके साथ क्या होती है, चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट अटैच होती है, ठीक है, जिसमें वो डिस्कस करता है बोर्ड की परफॉर्मेंस, डिस्कस करता है और जो ऑब्जेक्टिव थे इस साल के वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। और जो चेयरमैन है वो 3 साल तक क्या करेगा, अपना ऑफिस रिटेन करेगा अनलेस उसको पहले से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए या किसी जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। और बोर्ड शेयर क्लियरली डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। ये किसने करना है स्पेसिफाई, ये बोर्ड ने स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और नीचे भी ये कह रहे हैं कि द कमीशन मे स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर विच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ इसका,
चेयरमैन कंपनी का और कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कमीशन के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इस क्लास की कंपनी का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम इंडिविजुअल नहीं होंगे, डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे। फिर हमारे पास आता है सोल परचेज या सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स। जिस तरह हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कंपनी, जैसे कि पेप्सी कोला जो लेयर्स बताती है वो खुद बनाकर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाती, वो उनको डायरेक्टली सेल नहीं करती, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वो क्या करती है, वो चीज़ें बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या देती है, उसमें बांटती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे बेचते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन दे रही होती है। अगर वो उन्होंने आगे बिकना है 20 रुपये का, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 15 रुपये का दे रही होती है। ठीक है जी, तो मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी है, नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड विच इज़ कैरियंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है या पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और वो किसी सेल डिस्ट्रीब्यूटर को या परचेज एजेंट को कोई अपॉइंट करना चाहती है, तो वो उसको पहले कमीशन से अप्रूवल लेना होगा। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन से अप्रूवल के बगैर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी एक्सेप्शन है कि अगर एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड और पर्सन ऑर्डिनरी राइडिंग आउटसाइड पाकिस्तान, अगर कंपनी है वो क्या है, पाकिस्तान के बाहर ऑपरेट कर रही है और उसका जो बिजनेस है, जो मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस है, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है ना जी, अगर उस कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस क्या है, पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है, तो उसने क्या करना है, अप्रूवल लेना है कमीशन का। अगर उसका माइनर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है, तो फिर कमीशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, वो सेल एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी, अब ये रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक कंपनी ने क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक अनलिस्टेड भी आती है, पब्लिक लिस्टेड भी आती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ने ये चेक करना है, ये इंश्योर करना है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट जो हम कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट सारे पढ़ रहे हैं कि कंपनी ने ये करना है, कंपनी ने वो करना है, कंपनी लॉ की कंप्लायंस करनी है, तो सारी की सारी लॉ की रिक्वायरमेंट जो कंप्लायंस है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करना कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है, वो चेक करना। ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, शेयर रजिस्ट्रार आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये लिस्टेड कंपनी ने क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है, जिसने क्या जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर, न्यू शेयर जो परचेज हो रहे होंगे, जो बेच रहे होंगे, वो सारा किसने मैनेज करना है, शेयर रजिस्ट्रार ने मैनेज करना है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑल एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर आर डायरेक्टेड टू द शेयर रजिस्ट्रार इंस्टेड ऑफ द कंपनी। और वही क्या कर रहा होता है, शेयर रजिस्टर के अंदर कंपनी के नए शेयर्स का क्या कर रहा होता है, मेंशन कर रहा होता है, नाम रिमूव भी वही कर रहा होता है और इंक्लूड भी वही कर रहा होता है। और जो जनरल मीटिंग का नोटिस होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर रजिस्ट्रार होता है उसका नेम भी आप उसमें कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। यह आप था आपके चैप्टर 25 मैनेजमेंट, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।